कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। तो अभी पूरी दुनिया लगभग बेखबर है, लेकिन भगवान नरसिंह देव इस समय अपने लीला कर ही रहे हैं। भगवान प्रकट तो पहले ही हो गए थे। इनफैक्ट और भगवान के प्रकट होने के पीछे कारण भी देखो कि दो व्यक्ति हैं, एक तरफ तो प्रहलाद महाराज है और एक तरफ हिरण्यकशिपु है। ये दोनों के कारण ही आए भगवान, नहीं तो क्यों आते। यहाँ पे उपस्थित जितने भी भक्त हैं, आप सब उपस्थित हो, सब भक्त हो आप, चाहे माला अभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप सबके माताओं के चरण रज को अपने सिर पे धारण करके थोड़ा भगवान का गुणगान करते हैं। नरसिंह पुराण में 40वें अध्याय के बाद किसी एक अध्याय में ऐसा वर्णन है कि जो भी हरि के उत्सव हैं, जैसे जन्माष्टमी हो गई, एकादशी हो गई, नरसिंह चतुर्दशी हो गई, रामनवमी हो गई, इन उत्सवों में अगर हम भगवान के श्री विग्रह को अगर जल से नहलाएंगे तो यूं घूम के विष्णु लोक, दूध से नहलाएंगे यूं घूम के विष्णु लोक, दही से नहलाएंगे यूं घूम के विष्णु लोक, पंचगव्य से नहलाएंगे यूं घूम के विष्णु लोक जाना निश्चित है। आप बोलोगे कि अरे आप तो बहुत स्वार्थी हो, अभिषेक तो आप खुद ही कर लोगे, हम लोग तो मुंह ताकते रह जाएंगे। तो वैकुंठ जाने की सारी जो तैयारी है आप ही ने कर रखी है, हमारा क्या। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर भगवान की आरती हो रही है और पुजारी आरती कर रहे हैं, आप बाहर खड़े हो, तो जो फल पुजारी को आरती करने का मिल रहा है वो फल आपको भी मिलेगा, जैसे आप ही खुद आरती कर रहे हो भगवान के दरबार में खड़े होके। क्या ब्राह्मण दीक्षित हो? नहीं है जी, लेकिन वही फल मिलेगा, वही फल मिलेगा। इसी तरह से आप भगवान का अभिषेक नहीं कर रहे हो लेकिन उपस्थित हो और जोर जोर से हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हो तो वही फल मिलेगा, वही फल मिलेगा। जो यहां पर भगवान का अभिषेक करने वाले को तो क्या आप लोगों का भगवत धाम जाना निश्चित है? आज आपकी टिकट बुक हो रही है बेसिकली। अब कितनी जल्दी आप जा पाएंगे वो बात देखने वाली है। तो हम बात कर रहे थे भगवान नरसिंह देव आए दो व्यक्तियों के चलते, प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु। दोनों ने भगवान के भक्तों के साथ में व्यवहार किया, दोनों ने। प्रहलाद महाराज ने भगवान के भक्तों के साथ व्यवहार किया कब? जब माँ के गर्भ में थे।
प्रहलाद महाराज से उनके मित्र पूछ रहे हैं जो असुर हैं, असुर पूछ रहे हैं, अरे भाई एक बात बताओ। हाँ क्या है? क्या बात बताऊं भाई? तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। जो किताब तुम पढ़ रहे हो वही किताब हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला टीचर शंडामर जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं हमें पढ़ा रहे हैं, बस तुम ये कहाँ से ले आए बातें सारे निकाल के? तुम कहाँ से ले आए ये बातें? तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि कैसे कैसे इंद्र मेरी माँ को मारने के लिए लेके जा रहा था, तो भविष्यवाणी हुई, अरे भाई इसके गर्भ में तो भगवान का भक्त है। भगवान ने पहले बोल भी रखा था, भगवान ने बोल भी रखा था, गए थे सारे ये इंद्र आदि सारे देवी देवता शिव जी को अपने आगे रख के सारे गए थे क्षीर सागर। भगवान ने कहा भाई मैं आऊंगा और हिरण्यकश्यपु के घर में मेरा भक्त जन्म लेने वाला है। भगवान ने बोल के रखा, उसके बावजूद इंद्र को भूल गया और इंद्र लेके जा रहा है मारने के लिए हिरण्यकश्यपु की पत्नी को। तो डर गया इंद्र, अरे इसके गर्भ में बच्चा है, गर्भवती है, उसको छोड़ दिया। नारद जी अपने आश्रम में ले आए और नारद जी ने उनको भगवत ज्ञान दिया और सारा ज्ञान सुन लिया प्रहलाद महाराज ने। तो प्रहलाद महाराज ने बोला देखो भाई मैंने तो वहां से सुना, और क्योंकि क्योंकि प्रहलाद महाराज ने वो ज्ञान सुना और उस ज्ञान को सुन के उन्होंने आत्मसात किया, अपने जीवन में उतारा। जैसे भागवतम के चौथे स्कंद के 17वें अध्याय में महाराज पृथु के बारे में बात चल रही है, तो सारे जितने भी सिद्ध चारण थे वो महाराज पृथु की जय जयकार कर रहे थे, महाराज पृथु ने ये करना है, महाराज पृथु वो करेंगे, बड़ी उनकी जय जयकार चल रही थी। और उसमें एक बात बोली कि महाराज पृथु बड़े महान संत हैं, सनत कुमार उनसे मिलेंगे, चार कुमारों में से हेड। विदुर जी ने तुरंत पूछ लिया मैत्रेय जी से कि आप मुझे प्लीज ये बताओ कि जो पृथु महाराज ने ज्ञान सुना सनत कुमार जी से, उन्होंने अपने जीवन में कैसे लगाया ये बताओ मेरे को, और जीवन में लगाने का फल क्या मिला उनको, इस बारे में जानकारी दे दो। प्रहलाद महाराज ने वो ज्ञान सुना, सुनते हमसे मैं आप सब भी सुन रहे हो, जीवन में पता नहीं अब कौन लगाएगा कौन नहीं लगाएगा, ये तो वक्त बताएगा। दूसरी ओर हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु ने जितने देवी देवता हैं वैष्णव हैं उनकी ऐसी की तैसी करके रख दी उसने, मतलब तड़पा के रख दिया सारे देवी देवता। आप जैसा भेष बना के पृथ्वी लोक में रह रहे थे, अभी तक इस मोमेंट तक आप और मेरे जैसा रूप बना के रह रहे थे देवी देवता यहां पर, डर के मारे हिरण्यकश्यपु के। तो जहां पर प्रहलाद महाराज ने वैष्णवों का आशीर्वाद स्वीकार किया वहां पर हिरण्यकश्यपु ने वैष्णव अपराध किए। हमारे शास्त्रों में बोलते हैं कि वैष्णव अपराध करो तो नष्ट हो जाता है जीवन, सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाओगे। अरे कैसे नष्ट हो जाओगे भाई, हम तो रोज करते हैं हम तो रोज वैष्णव अपराध करते हैं, खत्म ही नहीं हुए, बढ़िया चल रही है जिंदगी, मकान के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं तो कैसे वैष्णव अपराध से कैसे नष्ट हो जाते हैं, हिरण्यकश्यपु के उदाहरण से दिखाई देगा। हिरण्यकश्यपु ने वैष्णव अपराध किया, उसके हृदय में उसके मन में
असीमित काम वासनाएं जागृत हो, असीमित काम वासनाएं। और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को भी बोला कि बेटा देख, बात ऐसी है, तू मेरा बेटा है, इस बात को याद रखियो। जिसके बाजू में ताकत होती है वो कुछ भी करे, कोई उसका उसको रोक नहीं सकता, खुलेआम ऐश कर। ये एक पिता पुत्र को ज्ञान दे रहे, एक पिता पुत्र को ज्ञान दे रहे। जैसे पीछे मैं एक को वीडियो देख रहा था, उसमें शाहरुख खान का एक बड़ा पुराना इंटरव्यू दिखा रहे थे, उसमें वो शाहरुख खान और उसकी पत्नी थे, वो इंटरव्यूअर जो ले रही थी लड़की उसको बोल रहे थे कि हम तो अपने बेटे को बोलेंगे चरस ले, गांजा ले, उन्होंने लेना शुरू कर दिया उसने। अब वो भागते फिर रहे उसको बचाने के लिए। हिरण्यकश्यपु ने भी बिल्कुल यही ज्ञान दिया उसको, प्रहलाद को, कि बेटा फुल ऐश कर, कोई घबराने की बात नहीं है, किसी से डरना नहीं है, मैं हूं तेरे पीछे। प्रहलाद महाराज ने उनकी बात को भगवान की दया से सीरियसली नहीं किया, शाहरुख के बेटे ने ले लिया सीरियसली। हृदय में असीमित काम वासनाएं जागृत कर देते हैं वैष्णव अपराध। और फिर जो व्यक्ति, जो इतना दुर्लभ मानव शरीर है जिसका उपयोग करना चाहिए था भगवान की सेवा में, उसका उपयोग शुरू कर देता है वो इंद्र तृप्ति के अंदर, ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए भागेंगे उसके लिए भागेंगे, और ऐसे पलक झपकते जीवन खत्म हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं लोग पूछते हैं वैष्णव अपराध से खत्म हो जाता है, ये मैंने आपको रहस्य बता दिया आज की, वैष्णव अपराध से होता कैसे खत्म है, असीमित काम वासनाएं जाग जाएंगी। आप अपने हृदय को टटोलो, हर एक आश्रय को अपने हृदय को टटोला करो, देखो कि हृदय में काम वासना बढ़ रही है कि घट रही है। अगर बढ़ रही है तो चेक करोगे वैष्णव अपराध तो नहीं कर रहे, ये चेक करोगे तो सुरक्षित रहोगे, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कब आप जय विजय से हिरण्यकश्यपु बन जाओगे पता ही नहीं चलेगा, कब बन जाओगे। एक छोटा सा अपराध किया था जय विजय ने, वो हिरण्यकश्यपु बन गए असीमित काम वासना वाले। हमारा भी ऐसा ही हाल हो सकता है अगर हमने सावधानी नहीं बरती। वो बोलते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता। तो हिरण्यकश्यपु ने बुलाया एक बार अपने बच्चे को, इधर आ भाई, बात सुन, क्या कर रहा है। वो हाथ में तख्ती थी और वो स्कूल जा रहा था, तो प्रहलाद ने बोला पापा मैं स्कूल जा रहा था। बात सुन इधर आ, पहले दो मिनट, कोई नहीं कहता टीचर कुछ, मेरा बेटा है तू। वो आगे सामने खड़ा हो गया, हिरण्यकश्यपु ने बोला बता क्या सीखा तूने, अभी तक क्या सीखा। वो प्रहलाद महाराज ने बोल दिया कि भगवान विष्णु सर्वोपरि है, भगवान विष्णु की शरण लेना ही जीवन का कर्तव्य है, उद्देश्य है। उसके दिमाग के पेज ढीले हो गए हिरण्यकश्यपु को, उसने कहा भाई क्या कह रहा है, मैं ढूंढ ढूंढ के मार रहा हूं, तू उनकी जय जयकार बोल रहा, तेरे चाचा को भी उसी ने मारा था, भूलियो मत, तेरे चाचा को भी उसी ने मारा, और तू हमारे शत्रु की जय जयकार कर रहा है, तेरे को डर नहीं लग रहा मेरे से। उसने कहा नहीं मुझे आपसे डर क्यों लगेगा, अरे मैं इतना शक्तिशाली हूं, तू एक घास का, भगवान ने आपको भी ताकत दी है, भगवान ने मुझे भी ताकत दी है, तो उसमें डरने वाली क्या बात है। हिरण्यकश्यपु ने बोला ये तो बच्चा है,
वो भी घर का, और बुलाओ उनको दोनों को, शंडा मर्ग को बुलाया गुरुओं को, और असुरों को बोला ये पिटाई करो इन दोनों की पहले, क्या सिखा रहे हो तुम, क्या सिखा रहे हो, अगर रोटी मेरी खा रहे हो, रह मेरे राज में रहे हो, वो उल्टी सीधी बात सिखा रहे हो, बस महाराज हमने नहीं सिखाई, बच्चा है दिमाग भाग गया होगा, गर्मी बहुत है, हम इसको अभी समझाते हैं, कोई बात नहीं, ले गए अपने साथ में। ये आज नहीं हुई थी घटना, पहले से चल रही है। कुछ दिन बाद फिर पकड़ लिया, मैं कुछ समझ में आई बात, कुछ समझ में आई, कुछ दिमाग बदला तेरा। प्रहलाद महाराज ने बोला देखो पिताजी आपको ये सब छोड़ छाड़ के, और हिरण्यकशिपु कह रहे कि बेटा अब तो बड़ा हो गया, अब तो मेरे दिल में एक ही आशा है, हिरण्यकशिपु बोल रहा है कह रहा अब तो मेरे दिल में एक ही आशा है कि राजपाट तुझे सौंपूं, तो ठाट से तेरे को राजपाट करते हुए देखूं और मैं चला जाऊं। प्रहलाद महाराज ने बोला बात आपने ठीक बोली है, मैं भी आपको यही कह रहा हूं, वन में जाओ और हरि का ध्यान करो। मैंने कहा अब तो रुका ही नहीं, अब बुलाओ असुरों को, बुलाया। अच्छा जो असुर शब्द है ना, असुर शब्द का मतलब किसको पता है, कौन बता सकता है असुर शब्द का मतलब? आप असुर शब्द का मतलब जानोगे हैरान होगे। असुर शब्द प्रचलन में आया था समुद्र मंथन के समय, रामायण में विश्वामित्र जी बता रहे हैं भगवान राम को, और विश्वामित्र जी वो मारीच वारीच को तो पीट पाट के भगा दिया भगवान राम ने, अब विश्वामित्र जी के साथ में भगवान राम लक्ष्मण को नहीं, अनेक हजारों साधु जा रहे थे राजा जनक के ओर स्वयंवर में भाग लेने के लिए, तो रास्ते में जगह जगह रुक रहे थे, तो भगवान राम उनसे जिज्ञासा कर रहे हैं विश्वामित्र जी से, और विश्वामित्र उत्तर दे रहे थे, तो समुद्र मंथन का वर्णन आ गया वहां। तो विश्वामित्र जी ने बोला कैसे जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहली चीज जो निकल के आई हलाहल विष, सारे देवी देवता असुर घबरा गए, उन सब ने भगवान शिव की शरण ली, हे महादेव बचाइए, महादेव प्रकट हो गए, भगवान हरि को बुलाया भी नहीं था वो भी प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रणाम किया भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु ने बोला अरे शिव जी इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसकी जो पहला जो भाग है, क्योंकि आप देवी देवताओं में सबसे बड़े हो, अग्र पूजा पहला भाग आप स्वीकार करो। लोग बोल रहे हैं कि शिव जी ने विष पान कर लिया, अरे शिव जी ने तो यज्ञ का पहला भाग स्वीकार किया था सहर्ष, और लेके कंठ में रख लिया, नीलकंठ कहलाए, और मथा समुद्र को, मथने से उसमें से सुरा निकली, वरुण देव की पुत्री सुरा, देवी देवताओं ने असुरों को बोला, उस समय असुर नहीं बोलते थे, दैत्यों को बोला अरे भाई तुम ले लो ये शराब, तुम ले लो, और राक्षसों ने बोला हम नहीं लेते भाई, बहुत खराब चीज है, इसीलिए उनका नाम असुर हो गया, जिन्होंने सुरा का त्याग कर दिया, और देवी देवताओं ने ले लिया। पीते हैं वो, इसीलिए वो सुर है, लेकिन
असुर का मतलब क्या है? जिसने सुरा का त्याग कर दिया हो। और सुर का मतलब क्या है? जो सुरापान कर रहा है, जो शराब पी रहा है। लेकिन अगर आप व्यवहारिक दृष्टि से देखो, असुर खराब माना जाता है और सुर अच्छा माना जाता है व्यवहार के कारण। कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उससे उस शब्द के मायने बदल जाते हैं। असुर शब्द अच्छा है, लेकिन जिन लोगों ने स्वीकार कर रखा है उनके कारण वो खराब हो गया। जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने शूद्रों को बोला, अरे इनको आप जो है चमार इत्यादि मत बोला करो, गलत है, इनको हरिजन बोलो। अच्छा भाई, हरिजन बोल देते हैं। वो हरिजन बोलना शुरू किया, वो हरिजन गाली दिखाई देती है, वो हरिजन गाली दिखाई देनी शुरू हो गई। क्योंकि आपने जिस व्यक्ति के साथ में उसको जोड़ के देखना शुरू कर दिया, उससे उसके मायने बदल जाते हैं, उससे उसके मायने बदल जाते हैं। तो खैर, हिरण्यकश्यपु ने बोला असुरों को, मारो उसको, अपने हथियारों से काट डालो उसको। अरे आपका पुत्र है, अरे शरीर का अंग गल जाए काट के फेंक देना चाहिए, नहीं तो पूरा शरीर जहर फैला देगा पूरे शरीर में। अच्छा जी, बात तो सही है, मारो भाई इसको। उस सब असुरों ने मिलकर मारना शुरू किया, छोटे से 5 साल के बालक को। सारे अस्त्र शस्त्र टूट गए, कोई अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं डाला। तो हमारे आचार्य यहां पे सवाल उठाते हैं, हमें प्रभाव क्यों नहीं डाला भाई? आखिर तलवार है, तलवार चलाओगे तो उसकी धार से जो भी चीज सामने आई है कटनी चाहिए, क्यों नहीं कटी? भाला है, भाले से आपने अगर किसी को पहुंचा, आपने किसी को भाला मारा, तो उसके पेट में छाती में छेद होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें नुकीली चीज है वो, क्यों नहीं हुआ छेद? तो हमारे आचार्य इसका उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि भगवान की शक्ति के कारण। तलवार में जो धार है वो किसकी शक्ति के कारण है? भगवान की शक्ति के कारण है। भाले में, तीर में जो नोक की चुभन है किसके कारण है? भगवान की शक्ति के कारण है। भगवान ने अपनी शक्ति को अनायास ही ऐसे भगवान ने बदल दिया। अब तलवार में धार नहीं रही, चला लो जितनी चलानी है, चलाते रहे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चलाते रहे। वो पहाड़ों से नीचे गिरा दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। शंडमर्क फिर सामने आ गए, उन्होंने बोला, अरे भाई बच्चा है, गलती हो गई। हिरण्यकश्यपु ने देखा, भाई मर तो रानी, चलो ठीक है, इसको ले जाओ, इसको सिखाओ दोबारा से। दोबारा ले गए, फिर कुछ दिनों बाद लेके आए, फिर भाई ढाक के 3 पार। अब तो हिरण्यकश्यपु का दिमाग खराब हो गया। उसने चुपके से बुलाया उसने असुरों को, उसने कहा, ये रात को सो रहा होगा, इसको नाग पाश से बांध देना और समुद्र में फेंक देना इसको, और ऊपर से चट्टाने गिरा देना ताकि बाहर ना निकल पाए। अच्छा जी, फेंक दिया समुद्र में, और नीचे गए। प्रहलाद महाराज को कुछ असर नहीं हो रहा, नीचे गए और नीचे जाके भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बोला, हटाओ यार, ये क्या सांप वाप निपटा रखे, हटाओ उनको। गरुड़ जी ने 1 सेकंड में हटा दिया। प्रहलाद महाराज को उन्होंने बोला, जाओ तुम आराम से, अभी रात बाकी है, आराम से नींद लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रहलाद महाराज ने प्रणाम किया, आ गए। वो असुरों ने देखा सुबह वो सो रहे, वो हिरण्यकश्यपु को बोला, भाई उसको कुछ नहीं हुआ, वो तो वैसा का वैसा ही है। ये अभी किसी को नहीं पता कि भगवान का दर्शन करके आ चुका।
हिरण्यकश्यपु ने बुलाया अपने पास, इधर आ भाई। और हिरण्यकश्यपु ने बोला, भाई तू मेरे से चाहता क्या है ये बता, तू मेरी बात क्यों नहीं मानता। प्रहलाद महाराज ने बोला, मैं आपकी बात इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि आप शास्त्रों के विरुद्ध बात कर रहे हो। जिन भगवान की शरण लेना जीवन का उद्देश्य है, आप मुझे उनसे दूर धकेल रहे हो। कैसे मानूं आपकी बात, कैसे मानूं? आप तो मुझे नीति वचन सुनाइए जो आपने सुनाए थे हिरण्याक्ष के वध के समय। हिरण्यकश्यप ने बहुत नीति वचन सुनाए अपने परिवार वालों। तो तू नहीं मानेगा? मैं भगवान का नाम लेने से पीछे नहीं हट सकता। कहाँ है तेरा भगवान? भगवान सब जगह है। अंडांतरस्य परमाणु चेहांतरस्थं, भगवान तो कण कण में विराजमान है। तो क्या भगवान तेरा इस खंभे के अंदर है? प्रहलाद महाराज को बोलना पड़ा, हाँ इस खंभे में। हिरण्यकश्यप ने अपनी चतुरहास तलवार निकाली और मारा खंभे के ऊपर, दिखा कहाँ है। वो खंभा टूट गया और भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह देव की, भगवान प्रकट तो हुए आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में। उल्टा भी कर सकते थे, ऊपर का हिस्सा मनुष्य का बनाते, नीचे का शेर का बना लेते, कम डर लगता। लेकिन भगवान ने ऐसा किया नहीं। भगवान ने ऊपर का हिस्सा अपना शेर का भगवान ने रखा। इतने भयानक भगवान का स्वरूप, बाल थे उनके और भगवान के बालों से आकाश में बादल तितर बितर हो रहे थे, आंखें एकदम लाल सुर्ख, बड़े बड़े भगवान के नाखून। जो भक्त हैं भगवान नरसिंहदेव के नाखूनों को देख के मोहित हो जाते हैं। भगवान के नख जिससे उन्होंने हिरण्यकश्यपु का हृदय विदीर्ण कर दिया। वो नख भगवान के भक्तों को कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल लगते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम। भगवान के नख को आभूषण मान के चलते हैं, हथियार। भक्त हथियार नहीं देखता, भक्त देखता है कि भगवान के जो नख हैं भगवान की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने असुरों की फौज उन पे चढ़ाई करवा दी, सबको मार दिया। भगवान नरसिंहदेव ने सबको मार दिया एक एक को, और फौज चढ़ाई कर दी, उनको भी मार दिया। अब हिरण्यकश्यपु और भगवान नरसिंहदेव सामने आए, तब तक यही टाइम हो चुका था। भगवान नरसिंहदेव ने ऐसे पकड़ा हिरण्यकश्यपु को, उसके घर की चौखट में बैठ गए और अपनी जंघा पर रखकर, जैसे मच्छर को मसलते हैं, जैसे हाथी कमल के फूल को तोड़ लेता है, ऐसे भगवान ने अपने नख से उसका हृदय फाड़ डाला। और हिरण्यकश्यपु जब भगवान उसका वक्ष चीर रहे थे, हिरण्यकश्यपु जोर जोर से बोल रहा था, हाय मेरा दुर्भाग्य। अबे क्या हो गया तेरा दुर्भाग्य? क्या हो गया तेरा दुर्भाग्य? उसने बोला, यही शरीर है जिसमें इंद्र का हाथी ऐरावत अपने दांतों से प्रहार करता था, उसके दांत टूट जाते थे, मेरे शरीर पे असर नहीं होता। ये वही शरीर है, हाय ये वही शरीर है जिसपे इंद्र
अपने वज्र का प्रहार करता था, उसका वज्र शरण से नीचे गिर जाता था, मेरा बाल भी बांका नहीं होता था। आज देखो, नाखूनों से मेरी छाती इस अद्भुत प्राणी ने चीर डाली मेरी, और इतने में उसके प्राण खत्म हो गए। भगवान नरसिंहदेव ने उसकी अंतड़ियां निकाली और अपने गले में माला के रूप में, जैसे हमने ये डाल रखी है, ऐसे नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु की अंतड़ियां निकाल के अपने गले में डाल। आप बोलोगे वाह बहुत मजा आया, हिरण्यकशिपु मारा गया। वो मारा नहीं गया, हिरण्यकशिपु आप सबके अंदर, मेरे अंदर हिरण्यकशिपु जिंदा है, अहंकार के रूप। किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर रहा ये, दिनों दिन ताकतवर होता जा रहा है, दिनों दिन ताकतवर होता जा रहा है। बड़े से बड़े दिग्गज आए मारने के लिए, इसको कोई नहीं मार पाया। हमारा अहंकार, आपका और मेरा, वो हिरण्यकशिपु है। कौन मारेगा उसको, कौन मारेगा उसे? उसे भगवान नरसिंहदेव मारेंगे। कैसे मारेंगे? जो ताकत भगवान नरसिंहदेव के नख में है, भगवान ने वो ताकत अपनी, भगवान ने भक्तों के वचनों में, उनकी शिक्षाओं में डाल दी। अगर हमने अपने हृदय में स्थित हिरण्यकशिपु रूपी अहंकार का वध करना है, तो हमें भक्तों की शरण लेनी पड़ेगी। अगर हम भक्तों की शरण नहीं लेंगे, आप कितना ही बोलो नरसिंहदेव की जय, वो लाभ नहीं मिलेगा, वो लाभ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप अपने हृदय में अहंकार का दमन करना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक शोर शॉट उसका एक ही उपाय है, भक्तों की शरण ले लो, गुरु की शरण ले लो, उनके कहे अनुसार अपने जीवन को चलाओगे, तो नरसिंहदेव की जय बोलते बोलते भगवत धाम जाओगे। आप सब बोलिए भगवान नरसिंहदेव की हरे।